अंकल एंड आंटी जी, अगर आप देख रहे हो तो मैंने अभी तक जो बताया है वो आपके बच्चे आपको दिखा देंगे। तो आप अपने बच्चों को रोको मत, उड़ने का मन है तो उनको उड़ने दो, उनके पर मत काटिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल होने वाली है और एक स्टोरी टाइम भी होने वाला है। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मतलब कोरिया पहुंचने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि वो भी बताओ कि आपको कोरिया कैसे पहुंचे, कोरिया पहुंचने के बाद अपने यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे, मेन पॉइंट वो है। तो कोरिया पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ वो बताने वाले हैं, और दूसरा मैं यहाँ पे एक टिप भी देने वाली हूँ, टिप भी बोलेंगे वैसे उसको, कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमारे पेरेंट्स नहीं जाने दे रहे हमें बाहर। तो देखो उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो हर किसी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेरेंट्स का तो होता है कि अपने बच्चे को इतना दूर भेजना थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा हो रहा था, मेरे पेरेंट्स का भी हो रहा था। तो हम आज स्टोरी टाइम करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू रीच योर यूनिवर्सिटी। तो देखो अब इसमें दो तरीके होते हैं, कि अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। देखो क्या क्या होता है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अगर सोल के आसपास, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोल के पास वाली होती है ना, वो तो मेनली आपको लेने आ जाती हैं एयरपोर्ट पे। जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हो, वो आपको कहीं एक पहले आप तो डरो मत कि आपको कोरिया पहुंचने के बाद आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कोई डरने वाली बात नहीं। आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है, अगर आप एक बार जीके स्कॉलर सेलेक्टेड हो जाते हो, तो वो आपको ककाउटॉक पे कांटेक्ट करती है। आपकी जो यूनिवर्सिटी में और भी जितने जीके स्कॉलर सेलेक्टेड हुए हैं, उनका पूरा एक ग्रुप बनाती है ककाउटॉक पे, और फिर वो आपकी टिकट्स बुक कराने में हेल्प, पूरी टिकट्स बुक करा के देती हैं। प्लस अगर वो आपको लेने आ रही होती है, तो वो आपको फोटो भेजती हैं कि एयरपोर्ट पे इस वाले गेट नंबर पे यहाँ पर आके खड़े हो जाना, हम आपको यहाँ से ले लेंगे। दूसरा, अगर जैसे मेरी यूनिवर्सिटी बुसान में है, तो सोल से बुसान का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लेने आए मुझे। तो मेरी यूनिवर्सिटी मुझे लेने नहीं आई थी, तो उन्होंने ये भी नहीं कि मतलब खुद ही आ जाओ बुसान, ऐसा नहीं करा था। उन्होंने पूरा मुझे एक बताया था कि हमें कैसे कैसे आना है, हमें कौन सी सबवे लेनी है, कौन सी ट्रेन लेनी है, कितने बजे की लेनी है, और ये नहीं कि हमें यूनिवर्सिटी पूरा, मेरे को तो यूनिवर्सिटी तक नहीं आना था, हमें आना था यहाँ पे बुसान में एक क्या होता है वो, ट्रेन स्टेशन था। तो बुसान में एक ट्रेन स्टेशन है, तो वहाँ पे हमें वहाँ पर आना था और वहाँ पे बैठे रहना था, फिर वहाँ से हमें पिकअप कर लेते ट्रेन स्टेशन पे आओगे, क्योंकि हम सोल से बुसान तक ट्रेन लेके आए थे, मैं लेके नहीं आई थी ट्रेन लेके आए थे, ट्रेन के थ्रू आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंची, तो 10:05 पे मेरी फ़्लाइट सुबह सुबह लैंड हो गई थी, लेकिन मेरी फ़्लाइट लेट भी हो गई, 10:05 पे नहीं, लेट हो गई थी, क्योंकि हमारा जो टेक ऑफ था वो भी लेट हुआ था, किसी कोई पता नहीं कोई रीज़न था। तो वह जो लैंडिंग थी वो भी 10:30 बजे करीब हो पाई थी, 10:30 तक, तो वो लेट हो गया था, 10:20 या 10:25 तक, तो वो लेट हो गया था। तो उसके बाद क्या था कि माही जो है, अगर आपको नहीं पता माही कौन है, तो वो उसका नाम रियल माही नहीं है, वो मैंने रख दिया, उसका नाम कुछ और है, क्योंकि उसका नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुझे हार्ड लगता है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया उसे। तो वो ईरान से है और वो भी जीके स्कॉलर ही है, बट ईरान से मतलब वो आई थी मुझसे एक दिन पहले, जैसे मेरा जिस दिन लैंडिंग थी वो उससे एक दिन पहले आ गई थी, वो शायद शाम को 5-6 बजे करीब आई होगी, लेकिन फिर वो बुसान नहीं गई, वो मेरे लिए वेट कर रही थी, क्योंकि उसका प्लान, उसका मन था कि हम दोनों साथ में जाएं, और ऑब्वियसली अगर हम साथ में एक जगह जा रहे हैं तो अच्छा लगता है कोई साथ में होता है। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे मतलब वो एक एयरपोर्ट के आसपास ना, अगर आप बहुत सारे होटल वगैरह होते हैं, तो अगर आपका फ्लाइट अगर लेट लैंड कर रही होती है बहुत ज़्यादा, तो आप चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो, ईजी होता है पूरा मेथड वो, तो आप वहाँ पर जाओ। तो वो वहाँ पे गई हुई थी होटल में। तो अगले दिन फिर हमने डिसाइड किया कि हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे। तो एयरपोर्ट पे मिलेंगे का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था कि हम कौन सी जगह पे मिलेंगे, बहुत हार्ड था, पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो क्या करा मैंने, तो वहाँ पे बस एक चीज़ अच्छी, कोरिया में सबसे अच्छा तरीका जो आपको मिलेगा, सबसे अच्छी चीज़ जो मिलेगी, वो है वाईफाई। आप टेंशन मत लो कि आप किसको कांटेक्ट करोगे, कैसे कांटेक्ट करोगे, आपके पास तो वाईफाई नहीं है, आपके पास नेट नहीं है। अगर आप मेरे को कोई टेंशन नहीं हो रही थी, मुझे पता है, मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे पता चला, मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, तो आप उससे कनेक्ट कर लेना, वो आपको आते ही आपको पास मिल जाएगा। वहाँ पे एक आता है, जैसे आप फ्लाइट से निकलते हो ना, तो वहाँ पे एक बैनर सा आता है, वहाँ पे आपको QR कोड होता है, वहाँ पे स्कैन करो तो वाईफाई मिल जाता है पूरा एयरपोर्ट का। तो मेरे को वाईफाई मिल गया था,
अब लेकिन फिर हम ताकि फिर मैंने माई को कॉल वगैरह करा कि कहाँ पर मिलना कैसे मिलना, लेकिन हम लोग आधे घंटे तक बस एक दूसरे को ढूंढ ही रहे थे पूरे एयरपोर्ट पे। मैं अपने 3 सूटकेस के साथ यहाँ वहाँ घूमती फिर रही हूँ क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि जाना किधर है। और मैं वहाँ के सारे फ्लोर्स पर चली गई, सारे एक एक करके, इस पे इस पे इस पे, क्योंकि कुछ कुछ शॉप्स ऐसी थी जो फर्स्ट फ्लोर पे भी थी और सेकंड फ्लोर पे भी थी, तो समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन सी वाली पे कौन सी है। तो एक टाइम पे, लास्ट टाइम पे, जैसे तैसे थक हार के मैंने उसको बोला कि मैं उस एक जगह बताई मैंने उसको कि यहाँ पर हूँ मैं, और उसने बोला ठीक है कि मैं वहाँ पर ठीक है मैं देखती हूँ। तो उसने देखना भी बोला और उसने मुझे अपनी जगह बताई, तो मैंने सोचा कि मैंने ये देखी है वाली जगह तो मैं चली जाती हूँ, तो मैं उसको लेने चली गई, वो मुझको लेने आ गई, तो मिस हो गया फिर से। तब हमने फिर से एक दूसरे को कॉल किया कि तुम कहो तुम कहो, तो उसने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उस मैंने उसको बोला वहीं पर रुकी रही हूँ, आप मत जाइए कहीं पर भी। फिर वो वहीं पर बैठी रही जैसे तैसे, फिर मैं पता करके उस जगह पे आई और फिर हम लोग साथ में गए बुसान के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ये भी एक टिप बता देते हैं कि एयरपोर्ट पे कैसे कैसे आपको जाना होता है। तो एयरपोर्ट पे ना, एक तो पहली बार डरो मत, सबसे पहले तो सब जगह बोर्ड होते हैं, बोर्ड पढ़ो और आप अपना जा सकते हो, आप ढूंढ सकते हो, बहुत ईजी होता है, ढूंढ सकते हो। तो बोर्ड पढ़ो और वहाँ पे लिखा होता है कि रेलवे रोड और एयर रोड ऐसे करके कुछ होता है, सबवे के लिए कुछ होता है, मुझे नाम करेक्ट याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है, सच में नहीं आ रहा है, ऐसे मुझे इसका कोरियन नाम याद है बट कोरियन मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो अगर आप आ रहे होंगे तो मुझे कांटेक्ट करके आ सकते हो, तो मैं आपको डिटेल बता सकती हूँ। वैसे आपके पूरी यूनिवर्सिटी वाले आपको पूरी डिटेल बताने वाले, ये वाली जो डिटेल है कि कैसे आना है सबवे करके फिर मैं KTX लेना, ये हमें पूरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताई थी कि आपको कैसे कैसे आना है। तो हमने फिर वहाँ से सबवे ली। अब सबवे कैसे लिए सोचो, मेरे पास 3 बैग थे, माही के पास एक ही बैग था और प्लस उसके पास एक बैकपैक था, मेरे पास 3 बैग, तो मैंने अपने 2 बैग मैंने लिए, एक बैग मैंने उसको, उसने मेरी हेल्प करी तो उसने अपने 2 बैग लिए। तो मैं ये टिप देना चाहती हूँ कि पहले अगर आप अकेले आ रहे हो, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी अकेले पहुँचना है, अगर एयरपोर्ट से वो आपको पिकअप कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपको अकेले पहुँचना है तो 3 बैग तो कभी मत लाना, भूल के भी नहीं, ये सोचो कि 2 हाथों में एक पकड़ के एक हाथ में पकड़ के ले जाओगे, नहीं लेके जाओगे। दूसरा मैं तो सजेस्ट करूंगी कि 2 बड़े बड़े बैग भी मत लेके आना अगर आप अकेले हो तो, क्योंकि उस टाइम पे ना क्या होता है कि यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट पे आपको एस्केलेटर बहुत मिलते हैं, एस्केलेटर वो चलने वाली सीढ़ियाँ, तो चलने वाली सीढ़ियाँ बहुत है, वो जो अपने आप चलती हैं, देखो कितनी एक्सप्लेनेशन मेरी कितनी अच्छी है। तो उस पर क्या होता है ना कि उस पर अपने बैग्स को एडजस्ट करना वो भी एक अलग तरीके का टास्क होता है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता आप 2 2 बैग एक साथ कैसे, और खुद भी चढ़ो उसी टाइम पे। तो उसको एडजस्ट करते करते माही और मैं बहुत ही परेशान हो रहे थे उस पर, क्योंकि हम एक दूसरे को मिक्स कर रहे थे, तो मतलब तो तुम ऊपर हो मैं नीचे हो, तो बार बार मेरे को वहाँ पर ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। फिर जब हम सबवे ले रहे थे तो सबवे लेते वक्त तो ईजी था क्योंकि वो एयरपोर्ट में ही थी, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही था वो स्टेशन, तो उसको तो लेना ईजी था। बट उसके बाद हम एयरपोर्ट सबवे लेके हम सीधा सीधा, वो क्या होता है वो सबवे सीधा सीधा सोल स्टेशन जाती है, आपको टेंशन वाली बात नहीं कि बीच में कहाँ रहेगी कहाँ नहीं, वो सीधा सीधा सोल स्टेशन जाती है, बीच में स्टॉप भी होते हैं बट लास्ट स्टॉप उसका सोल स्टेशन होता है जहाँ से आपको ट्रेन मिलती है, KTX वगैरह मिलती है। तो हम वहाँ पहुँचे, अब वो जो इतना बड़ा स्टेशन था, इतना बड़ा स्टेशन, मैंने मेरे को पता नहीं था कि इसमें, मुझे लगा कि ईजी होगा बट वो जो एस्केलेटर वाला जो सीन आ रहा था बार बार, प्रॉब्लम सही नहीं, प्रॉब्लम जो आ रही थी वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही, क्योंकि देखो इसमें अब ये नहीं, अब तुम तो सोचो कि भाई परेशानी तो कितनी, डर मत जाना कि परेशानी होती है, ऑब्वियसली आप एक बाहर विदेश में आ रहे हो आपको थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, ट्रैवलिंग में तो झेलनी पड़ेंगी, ये मत कर, अगर आप इसका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप थोड़ी बहुत भी परेशानी है, मैंने उस टाइम पर ये नहीं सोचा था कि नहीं यार मैं क्यों आई यहाँ पे, ये तो नॉर्मल है ना यार, पता थोड़ा ना था कि, तो किसी की भी गलती नहीं थी, हमें थोड़ा ना पता था एस्केलेटर होंगे या कुछ भी, लेकिन माही मेरे साथ थी तो हम इजीली चल रहे थे। और अगर आपको लग रहा हो कि मेरे साथ तो माही थी या फिर कोई और था कोई मदद कर देता है, ऐसी कोई टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं भी है, अगर तुम्हें अकेले ही पहुंचना है सब जगह तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट मी अगर आप फॉरनर हो कोरिया में तो कोरियन लोग वहां पे इतने अच्छे होते हैं ना, वो आपको मतलब मेरे को और माही जैसे हम लोग कभी ट्रेन की टिकट लेने के लिए या फिर ट्रेन चेक करने के लिए, तो हम ना जैसे वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है तो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, बस हम देख रहे थे, हम ध्यान से देख रहे थे कि कौन सी जगह पे जाना है कौन सी नहीं, तो हम चेक कर रहे थे पूरा। तो वहाँ पे इतने बार हमें लोगों ने पूछा है कि आपको कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ मदद चाहिए,
इतना अच्छा लगता है ना वो सुन के, तो हम बोल रहे हैं कि नहीं 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 कोई बात नहीं हम देख लेंगे, तो दो तीन बार मतलब 3-4 बार तो ऐसे लोग मुझे ऐसे साइड में जाते जाते एकदम से देखते हैं कि आप लोग कुछ सोच रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको मदद करने आ जाते हैं। वहाँ पे हेल्पर्स भी होते हैं, आप चाहो तो उनको पूछ सकते हो, उनको इंग्लिश आती है, ठीक आती है, नहीं भी आती तो मुझे लगता है कि उतना तो आप कर लोगे उनको कि वो समझा देंगे आपको। और यहाँ पे अगर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है ना, तो वो आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो पापा को खोल लेंगे, ट्रांसलेटर खोल लेंगे, लेकिन आपकी मदद करके मानेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है कि आप कैसे पहुँचो कैसे नहीं। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद हम कहाँ से कहाँ पहुँचाते, कितना अच्छा कट करती हूँ ना मैं। तो यहाँ पर हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद हम ट्रेन थी हमारी शायद 2, 2:30 बजे की, 2:30 यार। अब 2:30 पता क्या है, ये मत बोलना 2:30 क्या होता है। मैं वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको इंग्लिश में बोलूँ 2 and half, क्योंकि हिंदी में जो 2.5 और 1.5 जो होता है वो मुझे समझ भी नहीं आता है। माना मुझे पता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट मुझे ना थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मुझे अगर मुझे पता भी होता तब भी मुझे लगता है कि गलत है। तो मैं अपने घर पे तो मुझसे 2:30 बोल लेती थी, क्योंकि कोई कुछ कहता नहीं था। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बाहर मत बोला करो ऐसे, कभी बाहर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, मैं एकदम से 2:30 2:30 नहीं। लेकिन आप लोग भी तक फैमिली है चलेगा, मेरे 2:30 वाला सीख लो यार, 2:30 अच्छा है, इजी करो ना, क्या 1.5 2.5 2 and half बोलते हैं, 2:30 बोल दो। तो 2:30 बजे मेरी ट्रेन थी, तो हम लोग ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन वालों ने भी हम मतलब वहाँ पे जो टिकट चेकर होते हैं या फिर और भी जो हेल्पर्स होते हैं, उन्होंने ही बहुत मदद करी हमारा सारा सामान अंदर रखवाने में। तो हमने फिर ट्रेन ली, ट्रेन भी थी शायद 2 hours 2 घंटे की तो थी वो, 2 या 2.5 घंटे, 2.5 होता है ना पक्का, 2.5 घंटे तक की मुझे देगा, मैं इसलिए नहीं बोलती 2:30 1.5 1.5। तो इसलिए तो हमने फिर ट्रेन ली, ट्रेन लेने के बाद वहाँ पर हम बुसान स्टेशन पे पहुँचे। हमें जो फोटो मिली थी हमारे टीचर्स ने, मैं पहले ही भेजी थी कि ये वाली जगह उन्होंने एक बताई थी, जहाँ पे शायद टिकट चेकर की जगह थी वो शायद, तो वो हमें आराम से दिख जाती, खूब बड़ा सा कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, तो वो तुम्हें दिख जाएगा। तो वहाँ पे जाके हमें सिर्फ बैठना था, फिर वो वहाँ से हमें पिकअप करने आने वाले थे। तो फिर हम जाके वहाँ बैठे अपने थके हारे चेहरों के साथ, और मैंने कुछ नहीं खाया था तब तक, प्लेन में मेरा मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या होता है प्लेन में यार, पता नहीं टेस्ट नहीं आता खाने का, इतना गंदा टेस्ट लग रहा था उस टाइम पे। तो खाना मैंने खाया नहीं था प्लेन में, नाश्ता मिला था शायद मुझे, एक सैंडविच मिला था और कुछ चॉकलेट मिला था, मैंने सिर्फ सैंडविच खाया, मैंने और कुछ नहीं खाया। वहाँ से उतरने के बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने ट्रेन में भी कुछ नहीं खाया, मैं जो बैग में लेके आई थी पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, या तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे सिर्फ सोना था, सच में मुझे सिर्फ सोना था, मुझे अपना कमरा चाहिए, बेड चाहिए, ताकि मैं लेट सकूँ चैन से। तो मैंने कुछ नहीं खाया था, बस मैं बैठे हुए थे, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने पर आ गई थी पूरी, चाहो तो मैं चार्ज कर सकती थी, लेकिन मुझे आलस आ रहा था बैग खोलने में निकालने में। तो माई और मैं हम वहाँ बैठे हुए थे, हम थोड़ा टाइम से जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि हमें लगा था कि इमिग्रेशन ऑफिस में टाइम लगे, इमिग्रेशन होता है ना जब आप एयरपोर्ट पर आप बाहर से आते हो तो इमिग्रेशन होता है, तो मुझे लगा कि इमिग्रेशन में टाइम लगेगा कुछ भी, या ट्रेन लेने में टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगा। तो हम जहाँ पर हमें हमने डिसाइड करा, उन्होंने बोला था कि 6 बजे हम आपको पिकअप करने आएंगे, तो हम 5 बजे आके बैठ गए थे वहाँ पे, और हम बैठे बैठे बस इंतजार कर रहे थे, और अगल बगल लोगों को देख रहे थे, और वो हमें देखते जा रहे थे, क्योंकि पूरे स्टेशन पर सिर्फ हम ही दिख रहे थे एक फॉरनर। तो वहाँ बैठे हुए थे, फिर वहाँ पे जो हमारे टीचर थे वो भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, मेरी थोड़ी सी किस्मत ख़राब चल रही थी उस टाइम पे, कि बुसान में किस्मत ख़राब क्या आ रही, तो जेनुअन नेचुरल चीज़ें क्या कर सकते हैं, उसका बारिश हो रखी थी यहाँ पे, बारिश हो गई थी पहले, तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया था, उस टाइम पर नहीं हो रही थी लेकिन उससे थोड़े 2-3 घंटा पहले हो गई थी, तो उससे ट्रैफिक बढ़ गया था, तो उनको आने में टाइम लगा, तो उन्होंने 6 बजे का बोल के वो 6:30 बजे तक आ पाए ट्रैफिक के चक्कर में। तो वो तो आए, फिर उन्होंने देख, फिर उस दिन क्या था कि जब जिस दिन हमारा पिकअप था उस दिन लैंग्वेज एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी कुछ मेरी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उनको भी पिकअप उनका सेम टाइम पे था, तो कम से कम हम साथ मिला के सारे 20-25 लोग हो गए थे वहीं स्टेशन स्टेशन से यूनिवर्सिटी लाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने बस बुलाई अपनी यूनिवर्सिटी वालों की, उसको आने में टाइम लगा क्योंकि ट्रैफिक, तो जैसे तैसे वो आई अपना टाइम लेके, तो 8, 8:30 बज गए, पता नहीं कितने, 8 बज गए थे शायद, 8 बजे तक वो आई थी, हाँ 8 बजे तक वो आई थी क्या, बस आई थी 7:45 8 बजे तक। फिर हम बस में बैठे, फिर हमें क्योंकि बस स्टेशन जो वो जो ट्रेन स्टेशन और यूनिवर्सिटी है वो बहुत दूर है, तो 1 घंटा हमें आने में लग गया, 1 घंटे से ज़्यादा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो आने में लग गया बस में। तो भाई मेरे को मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी इतनी नींद आई है, इतनी इतनी नींद आई है, मतलब मेरे को एडजस्ट कर रही थी मैं अपने सर हाथ पैर की, मैं कहीं पर भी सो लूँ, मुझे इतनी नींद आ रही थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही थी माई भी, क्योंकि उसकी कंट्री से भी उसने एक लंबा खाया था, वो कहीं भी रेस्ट नहीं कर पाई, मैं भी सीधा इंडिया से यहाँ तक
मेरा पूरा ट्रैवल मेरा तो, और मैं कभी ट्रैवल नहीं करती इतना ज़्यादा, तो करती हूँ तो अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो वही देखते रहते हैं कहाँ लेके जाना कहाँ नहीं। मैं तो सिर्फ सो जाती हूँ, हर जगह जाके सो जाती हूँ, बस में, ट्रेन में, कार में, सब जगह जाके सो जाती हूँ। तो यहाँ पर तो मेरी खुद की जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदारी तो अब टीचर्स की भी हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा कोरिया देखने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी तो मैं तो सो ही रही थी। मतलब सोने की पूरी पूरी कोशिश करी मैंने, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी वहाँ पे। तो वहाँ से हम निकले, तो वहाँ से हम यहाँ यूनिवर्सिटी पहुँचे, आते ही जो इतनी ठंड लगी है यहाँ पे, इतनी हवाएं चली हैं, मैं सही बता रही हूँ, मुझे आते ही पता चला कि कोरिया, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड। तो मैं फटाफट हम डॉर्मेट्री के अंदर घुसे, और डॉर्मेट्री में भी क्या हुआ, 20-25 स्टूडेंट्स हम साथ में थे, तो सबके अलग अलग रूम, और सब क्या डॉर्मेट्री के रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्म भरो, कुछ करो, पहले वो आपको पूरा चेक करेंगे, फिर जाके, तो लाइन वाई लाइन वो करते 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 9:30 में वहीं पर नीचे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में लगे हुए हैं अपना फॉर्म भरने में खड़े हुए हैं। कभी वो फिर उन्होंने हमें कुछ चीज़ें पकड़ाई, जैसे बेडशीट वगैरह पकड़ाई अपने रूम के लिए, तो वो पकड़ाया, तो उसके चक्कर में भी हम बहुत लेट हुए। 9:30 के बाद फिर 9:30 मैं रूम में आई। रूम में आने के बाद मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि मेरी जो रूममेट है वो इंडियन है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि उस टाइम पे मैं एकदम से अपना घर छोड़ के आई हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, थोड़ा सा मन में ना वो मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही होती है, इमोशंस कुछ कि समझ जाओ क्या हो सकता है। तो उस टाइम पे जैसे ही मैंने उनको देखा तो वो बहुत अच्छी हैं, वो सच में बहुत अच्छी हैं। उन्होंने आते ही मेरा बहुत मतलब एकदम से कि ये चीज़ें तुम्हें यहाँ यहाँ रखनी है, उन्होंने पूरा बताया। और मैं कुछ खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पता नहीं क्यों, मेरी भूखी मर गई थी उस टाइम पर, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, वो नीचे हमारी बिल्डिंग में नीचे और डॉर्मेट्री में हमारे CEO है, तो वो वहाँ पर गई मेरे लिए बनाना मिल्क, बनाना ओयो, जो कि जंगकुक का बहुत फेवरेट है, वो उनका भी बहुत फेवरेट है, तो वो और शायद एक एनर्जी बार कुछ होता है, चॉकलेट बार होती है, उसमें बहुत सारे कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो वो अच्छी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खाते पीते रहते हैं, उससे क्या होता है एनर्जी आ जाती है तुम्हारी एकदम से। तो वो मेरे लिए फटाफट वो लेके आई थी, तो मैंने वो खाया, और गेस करो कि मुझे पूरे रास्ते में इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन वहाँ पहुँच के मुझे, कमरे में पहुँच के मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मेरी नींद उड़ गई थी। मैं अपने घर वालों से बात कर रही थी 1 बजे तक, 1-2 बज गए थे यहाँ के, तब तक बात ही कर रही थी। फिर जाके, फिर जब मुझे थकान का एहसास हुआ तो मुझे नींद आई। तो पहला दिन तो मतलब पूरा मेरा ट्रैवलिंग का तो समापन यहाँ पर हुआ। दूसरा, अब मैं बता दूँ कि आपके अपने आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस, ये वाला पार्ट, तो कन्विंस पे तो देखो ये है कि आप, मुझे पता है कि पेरेंट्स को बहुत डर लगता है, ठीक है, पता है कि बहुत ज़्यादा कम एज के होते हैं, बट आप, मैं बस ये जान, मेरे को तो ये पता है कि आपके पेरेंट्स को आप पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स पे, आपको ना दोनों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलना पड़ेगा। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको लग रहा है कि आप अपना घर छोड़ के अलग कैसे रहोगे, तो आप कोरिया में रहोगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छे होने वाला, आपका करियर बहुत अच्छे होने वाला है, तो आपको वो चीज़, वो प्लस पॉइंट भी देखना पड़ेगा, बस उसी पे नहीं कि हमारा पहले नहीं यार फैमिली को नहीं छोड़ सकते, पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चा अकेला क्या करे, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो आपको स्टार्ट करना है अकेला रहना भी, और ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदेश में आके रहना, वो उनको डर लगता है, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है ना, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर भरोसा है, दिलवाओ, नहीं है तो दिलवाओ भैया, क्या कर सकते, कोरिया आना है तो कुछ तो करना है ना, तो दिलवाओ, उनको भरोसा दिलाओ कि आप सब कुछ कर लोगे, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, और बस ट्रैवलिंग की टेंशन मत लेना कि यहाँ पर कुछ डर लगेगा या कुछ भी, मुझे तो नहीं लगा। मैं अभी तक यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे अभी मतलब इतना ऐसी कोई, मुझे जैसे स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब आती है, स्टार्टिंग में आती है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता होता है, तो आपको अपने घर की याद भी आती है कुछ भी, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, होपफुली, कि मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आए, कि मुझे लगे कि यार मैं यहाँ पर गलत आ गई हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, आपके प्रोफेसर्स, और ये मत डरना कि प्रोफेसर कौन से प्रोफेसर, जब आप, जब आपका GK सिलेक्शन हो जाता है ना, तो एक टीचर आपको देते हैं जिसका काम ही यही होता है, GK कोऑर्डिनेटर उनको बोलते हैं हम, तो उनका काम ही यही होता है कि जो उनकी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे GK से आने वाले हैं उनकी पूरी मदद करना। तो आपको कुछ भी पूछना हो कि हम यूनिवर्सिटी से कैसे आए, हम कैसे करें, कैसे नहीं करें, तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो पेरेंट्स को भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरे टीचर आपकी मदद करने वाले हैं, तो उनको भी ये बताओ, ये वीडियो उनको दिखाना, नमस्ते अंकल एंड आंटी जी, अगर आप देख रहे हो तो मैंने अभी तक जो बताया है वो आपके बच्चे आपको दिखा देंगे, तो प्लीज़ डरिए मत उस चीज़ को लेके, और इतना मैं तो बताऊंगी कि आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, एक और मैं तो मेन पॉइंट बताना भूल गई, ये जो हम जैसे कभी कभी जो यूनिवर्सिटी नहीं लेने आती है, तो वो सोल से, जैसे मैं बुसान आई, मेरे को यूनिवर्सिटी लेने नहीं आई थी, बस बुसान स्टेशन पे आई थी, तो जो ट्रेन की टिकट होती है या फिर सबवे होता है, वो सब वो वापस दे देते हैं, बस आपको उसकी टिकट का जो रिसीप्ट वगैरह होती है ना, वो आपको रखना होता है, उनको दिखा दो, जब आपकी स्कॉलरशिप, जब आपका जो
पैसे, जब स्टाइपेंड आपको मिल रही होती है तो वो आपको उसको इंक्लूड करके आपको दे देते हैं, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। तो प्लीज़, मैं तो बस ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को रोको मत, उड़ने का मन है तो उनको उड़ने दो, उनके पर मत काटिए, पर मत काटिए। इन द सेंस, कभी का क्या होता है, कुछ पेरेंट्स अलग होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कैसे हैंडल करेंगे, बट मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ सब हैंडल कर लेते हैं धीरे धीरे करके ना। अभी उम्र छोटी है, बढ़ेगी भी तो सही ना, धीरे धीरे बढ़ेगी, थोड़ा ना किसी को उम्र ही बढ़ना है, कुछ एक्सपीरियंस भी बढ़ेंगे साथ में, कुछ एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी निखर के आएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और करियर तो बहुत अच्छा होने ही वाला है, तो आप अपना उसको एक्सपेक्ट भी देखिए, स्ट्रांग पर्सनैलिटी प्लस करियर, जो आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करियर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मेरा आपको बहुत सारा प्यार, आज मैंने लाल वाले कपड़े पहन रखे तो दिल भी, तो बहुत सारा प्यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।